नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। आइए देखते हैं जगदलपुर की खबरें। बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी करते पाए गए 5 आरोपियों पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। ज्ञात हो कि थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर में सूचना प्राप्त हुआ था कि 2 व्यक्ति को आमागुड़ा चेक पास अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा लेकर आने वाले लोगों का इंतजार कर रहे हैं। कि सूचना पर पुलिस अधीक्षक सलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक उदित पुष्कर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली सुरेश जांगड़े के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई हेतु टीम रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा नया पुलिया के पास पहुंचकर 2 संदिग्ध व्यक्ति मिले, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर अपना अपना नाम किशन लाल उर्फ कन्हैया सालेवी और शिवलाल गाडरी निवासी राजस्थान का रहने वाले बताए, जिनसे विस्तृत पूछताछ करने पर बताया कि जगदलपुर के घंटेश्वर माहरा राजेश बघेल और मोनू यादव से हमारी बातचीत हुई है, जो हमें 20 किलोग्राम गांजा उड़ीसा से लाकर देने वाले हैं। पूर्व में भी उनसे गांजा खरीद कर ले गए थे, बताए। तभी 3 व्यक्ति एक लाल रंग के मोटरसाइकिल सुजुकी वाहन में आए, जो पुलिस को देख कर भागने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ी। जिनके वाहन में 2 सफेद रंग के बोरी रखे मिले। तीनों से पूछताछ करने पर अपने पास रखे 2 सफेद रंग की बोरी अंदर मादक पदार्थ गांजा को बिक्री हेतु किशन लाल और शिवलाल निवासी राजस्थान को देने के लिए लाना बताए। जिनके पास में रखे 2 सफेद रंग के बैग में रखे 20 किलो 390 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा के संबंध में पूछताछ करने पर गांजा रखने का वैधानिक प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। आरोपियों का कृत्य NDPS एक्ट की परिधि में आने से गांजा जब्त किया गया है। मामले में आरोपियों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में धारा 20 का NDPS एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। आरोपियों के संयुक्त कब्जे से 20 किलो 390 ग्राम गांजा कीमती 1,01,950 रुपए, एक सुजुकी मोटरसाइकिल क्रमांक CG17KW9606 और 4 नग मोबाइल जुमला कीमती 2,06,950 रुपए को बरामद किया जाकर गिरफ्तार किया गया। मामले के सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। कल थाना में मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ 2 लोग जो हैं राजस्थान के गांजा खरीदने के लिए यहां पर आए हुए हैं और कुछ लोग उन्हें गांजा ला करके देने वाले हैं। वो लोग आमागुड़ा जो चौक है उसके पुलिया के पास में मंडरा रहे हैं, गांजा देने वालों का इंतजार कर रहे हैं। मुखबिर सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना स्टाफ वहां पर गई, जहां पर मुखबिर के बताया अनुसार जो हुलिया बताया गया था वैसे 2 लोग वहां पर खड़े हुए थे और आसपास मंडरा रहे थे। उसी वक्त एक लाल कलर की स्कूटी में 3 लोग बोरी ले करके, एक बोरी सामने बीच में रखी हुई थी, एक बोरी हाथ में पकड़ा हुआ, वो आ करके उनके पास में खड़ी हुई और दोनों को बातचीत करना चालू किए, तो पुलिस वालों के द्वारा तुरंत दबिश देते हुए कार्रवाई करते हुए दोनों को पकड़ा गया। इन गाड़ी वाले और इन दोनों को पकड़ने के बाद में जब बोरियों को चेक किया गया तो उनमें गांजा बरामद हुआ। गांजे की तौल कार्रवाई करने पर उसमें पता चला कि 20 केजी मादक पदार्थ गांजा था और राजस्थान वाले गांजा खरीदने और जगदलपुर के ही 3 व्यक्ति जो कि गांजा उड़ीसा से ला करके उन्हें प्रोवाइड करा रहे थे और यहाँ से गांजा की तस्करी राजस्थान जाती। आरोपियों के द्वारा पता, आरोपियों और जो लेकर के आए आए हुए जो गांजा लेकर के उड़ीसा से आए हुए थे, वो आरोपियों के द्वारा बताया गया कि पहले भी उनके द्वारा राजस्थान के कई तस्करों को गांजा प्रोवाइड कराया गया है और इनको भी पहले भी गांजा इनको दिया गया था और गांजा लेकर के ये गए हुए थे। इस बार पुनः ये गांजा खरीद करके ले जाने के लिए आए हुए थे। उसी की कंटिन्यू कार्यवाही में पांचों आरोपियों को NDPS की धारा 20B के तहत गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर न्यायालय प्रस्तुत किया गया है और अब न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। वी टाइम न्यूज के लिए जगदलपुर से बास्की ठाकुर की रिपोर्ट।